नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो हमने एक कटोरी सूजी लिया है, इसके अंदर एक कटोरी सूजी और डालेंगे हम। दो कटोरी हमने यहाँ पर सूजी ले लिया है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही दही डालेंगे हम। यहाँ पर हमने दो कटोरी सूजी लिया था, दो कटोरी हमने दही डाल दिया। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, चलाते हुए इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको 15 मिनट तक हम ढक के रख देंगे। मिला के यहाँ पर मिक्स हो गया है, इसको हम ढक कर 15 मिनट तक रख देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बीन्स ले लिया है कट करके, दो आलू ले लिया है बॉयल करके और यहाँ हमने दो छोटे शिमला मिर्च ले लिया है। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। साथ में गाजर ले लेंगे, पत्ता गोभी ले लेंगे और आपके पास जो सब्जी खाने का वो है उसको भी आप यहाँ पर सब्जी ढेर सारा ऐड कर सकते हो इसके अंदर। इसी तरह से हम सारी सब्जियों को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। टमाटर ये आधा है, ये टमाटर, बीन्स है, शिमला मिर्च है, आलू बॉयल किया हुआ है, हरी मिर्च है, गाजर एक है ये कद्दूकस किया हुआ, ये हमने कुछ पत्ता गोभी कट करके ले लिया है। यहाँ पर हमने गैस ऑन कर लिया है, दो चम्मच तेल डाल दिया है और हमने यहाँ पर आधा टेबल स्पून से ज़्यादा जीरा डाल रहे हैं। जीरा को थोड़ा हम तड़कने देंगे। यहाँ पर अब हम पत्ता गोभी डाल देंगे। पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट होने तक थोड़ा उसको हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक मिनट तक। एक मिनट हो चुके हैं, साथ में हम एक गाजर डाल दे रहे हैं। गाजर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीन्स डाल देंगे, शिमला मिर्च भी डाल देंगे, टमाटर, हरी मिर्च, उबला हुआ कटा हुआ आलू भी डाल देंगे साथ में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चला के। इसको दो मिनट तक हम इसको पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। आधा टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, एक टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, आधा टेबल स्पून से कम यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक चलाते हुए हम पका लेंगे। यहाँ एक मिनट तक हो गए हैं। सारी सब्जियों को हम बाहर निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और ये हमने इडली के छोटे वाले मिनी इडली का स्टैंड का ये ले लिया है। इसमें कढ़ाई में पानी डालेंगे। मैंने आधा मग पानी डाला कढ़ाई में। गैस को ऑन कर लेंगे, स्टैंड लगा दिया हमने, इसको और हम ढक देंगे। यहाँ पर हम बैटर को चेक करेंगे। 15 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट। इसको हम बैटर को निकाल लेंगे। यहाँ पर आधा टेबल स्पून से हम खाने वाला सोडा डाल रहे हैं इसके अंदर। एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम कटोरी में भर लेंगे। कटोरी में हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया था और ऐसे ही हम कटोरी में भर लेंगे जितने हमने बैटर बनाया है। थोड़ा खाली ही रखेंगे। यहाँ हमने सारे बैटर को भर लिया है और हमारी वहाँ पर पानी भी गर्म हो गया है जो हमने पानी रखा है कढ़ाई में। अब इसको हम खोल लेते हैं। सारे कटोरियों को हम एक एक करके इसमें रख देंगे ऐसे ही। इसको ढक देंगे। इसको हम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। सारी मेरी सब्जियां ठंडी हो गई हैं जो हमने भून के लिया था कढ़ाई में। इसको अब हम ऐसे ही मैश कर लेंगे। आपके पास मैश करने वाला है तो उससे भी आप मैश कर सकते हो सारी सब्जियों को। इसी तरह से मैश कर लेंगे हम। यहाँ पर सारी सब्जियों को हमने मैश कर लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में से कटोरियों का जो हमने भर के बैटर डाला था उसको बाहर निकाल लिया है। चाकू के
हेल्प से हम इसको किनारे निकाल देंगे। किनारे निकालने के बाद कटोरी गर्म है, इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह सारे कटोरियों को हम बाहर निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद ही निकालना था, मैंने गर्म में ही निकाल दिया। इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे ही गर्म है, भाप निकल रहे हैं इसके अंदर से अभी। यहाँ पर हमने चम्मच के मदद से चारों किनारे छुड़ा के हमने यहाँ पर कटोरी को रख दिया, ये निकल गया है। ये भी इसी तरह से हमने निकाल दिया, ये भी निकल गया। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम चाकू की हेल्प से इसको कट कर लेंगे, ऐसे ही। यहाँ पर हमने कट कर लिया, इसको अब बनाना शुरू करते हैं। गैस जला लेंगे पहले। हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में थोड़ा से हम तेल डालेंगे, एक चम्मच। यहाँ पर तेल गर्म हो गया, थोड़ा से हम सरसों डाल देंगे, आप राई भी कुछ लोग कहते हैं इसको। सरसों को थोड़ा लाल होने देंगे चटकने तक। यहाँ पर हम एक डाल देंगे, एक पीस। उसके ऊपर ये जो हमने स्टफिंग बनाया था सारी सब्जियों से, उसको डालेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। अब उसके ऊपर से हम इसको लगा देंगे, इसको हम पलट लेंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है ये, सुबह का ब्रेकफास्ट, जब भी खाने का मन करे। इसके आगे बर्गर भी तेल है, बहुत ही हेल्दी है। पलट पलट के इसे चारों तरफ से हम सेक लेंगे। यहाँ पर मेरा सिक गया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला भी हम सेक लेंगे, इसमें पहले से तेल थोड़ा बचा हुआ है। इसके ऊपर भी हम स्टफिंग डालेंगे, ऐसे ही चारों तरफ फैला लेंगे। दूसरा कटा हुआ भी हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, थोड़ा से दबा देंगे। हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अगर हमारी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।